Good morning, students. So today we are going to start our new unit, that is chemical bonding and molecular structure, which is our fourth unit. So as our name indicate, in this unit we will study about chemical bonds. Chemical bond, that what do you mean by chemical bond and how new chemical bonds are formed, and the theories which are the basis of structure of different molecules like valence shell electron pair repulsion theory, which is also known as Wesper theory, valence bond theory, VBT, molecular orbital theory, and different important topics, hybridization, resonance, dipole moment, hydrogen bonding. So overall, this unit is most important unit for your CBSE exam as well as for your competition exams. ठीक है, इसके ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो फर्स्टली, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? अभी आप नाइन्थ क्लास से करते आ रहे, दैट द फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ एन एटम इज नॉट पॉसिबल। कोई भी जो एटम है लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन O2 या O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ N2, फ्लोरीन, F2 एटसेट्रा। ठीक है, तो अब जो दो एटम्स आपस में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से बाउंड है, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन द टू एटम्स, दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। सो केमिकल बॉन्ड इज बेसिकली द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स व्हिच एग्जिस्ट, which holds the atom, holds the atoms together in a molecule। ठीक है, एटम्स के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होंगे जिससे एटम्स मोलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट रहेंगे, दैट इज नोन एज अ केमिकल बॉन्ड। नाउ फ्रॉम हेयर द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, दैट हाउ एटम्स कंबाइन टूगेदर। एटम्स आपस में कंबाइन किस टाइप से करेंगे? ठीक है, अब हमें पता है कि हमने पीरियोडिक टेबल लास्ट यूनिट में पीरियोडिक टेबल स्टडी की, तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है, दैट इज ऑफ नोबल गैस कंफिग्रेशन। तो यहां से जो वैसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आई इसको एक्सप्लेन करने के लिए, दैट हाउ एटम्स कंबाइन टूगेदर, बट जो सबसे इफेक्टिव थ्योरी थी, दैट इज गिवन बाय कौसल एंड लुइस। कौसल और लुइस ने अपनी जो एटॉमिक थ्योरी थी वो दी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। एंड दे स्टडीड द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एंड दे फाउंड दैट द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज आर द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन। नोबल गैसेज हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। तो हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन 1s2, नियोन 10, 1s2, 2s2, 2p6। सिमिलरली जैसे जैसे हम
ग्रुप में डाउन द ग्रुप मूव करेंगे। लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी सेम रहेगी, जस्ट नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करेंगी। तो नियोन में लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में थे, तो आर्गन में थर्ड शेल में 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 4s2 4p6, जिनोन 5s2 5p6, रेडॉन 6s2 6p6। इससे पहले वाले सारे ऑर्बिटल्स फुली फिल्ड होंगे। तो जब हम लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं, तो ऑल द नोबल गैसेस एक्सेप्ट हीलियम कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल इज नेम्ड एज ऑक्टेट, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन केस ऑफ हीलियम, लिथियम एटसेट्रा इज नेम्ड एज ड्यूप्लेट। And all the element except from noble gases contain less than 8 electrons. ठीक है, बाकी सभी elements में 8 से कम electron होंगे। So all the elements try to acquire their noble gas configuration. ठीक है, जितने भी elements होंगे वो खुद को stable करने के लिए noble gas configuration acquire करेंगे, either by loss their electron, by gain their electron, or by mutual sharing of electron. Noble gas configuration, that means they want to complete their octet, that means 8 electron in their outermost shell, or duplet, that means 2 electrons in their outermost shell. Clear hai ye? 2 electrons ka jo case hoga wo limited hi elements mein hoga, first shell like hydrogen, helium, lithium etc. Clear hai ye? अब यहां से फर्दर ल्यूस ने थ्योरी दी, विच इज नोन एज ल्यूस स्ट्रक्चर्स। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नाउ अकॉर्डिंग टू ल्यूस दैट ऑल द एलिमेंट्स वांट टू एक्वायर देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड फॉर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दे वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल विद 8 इलेक्ट्रॉन विच इज नोन एज ऑक्टेट। तो अब जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल तो ऑलरेडी फुली फिल्ड है। ठीक है, तो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जस्ट लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 से या 2 से कम होंगे। तो उस केस में जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे। तो उस केस में ल्यूस ने कहा कि हर बार जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग करते हो, लाइक अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, दैट मींस फर्स्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल कंटेन 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड शेल कंटेन फर्स्ट 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हर बार फर्स्ट और सेकेंड शेल को रिप्रेजेंट करना इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, सोडियम को सिर्फ अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। क्लियर है? तो इस केस में जब भी हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। और ल्यूस ने कहा कि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एलिमेंट के सिंबल के साथ डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। लाइक सोडियम कंटेन ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम के सिंबल के साथ आप एक डॉट मेंशन कर दोगे। सिमिलरली हैलोजन्स कंटेन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के केस में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो हम फ्लोरीन के चारों तरफ 7 डॉट्स मेंशन करेंगे। बोरोन हैविंग एटॉमिक नंबर 5 2 3 3 है, तो सिंबल बोरोन के साथ आप 3 डॉट्स मेंशन करोगे। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 2 4, तो कार्बन 4 डॉट्स। क्लियर है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो डॉट्स है, डॉट रिप्रेजेंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज, अब ल्यूस ने हमें एक्सप्लेन किया कि जो एटम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जितने भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एलिमेंट
आइदर उन इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, गेन करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। सो एटम्स कंप्लीट देयर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आइदर बाय लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगी लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस केस में जो बॉन्ड बनेगा डेट इज ऑफ आयनिक बॉन्ड एंड बाय शेयरिंग। टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म विच इज नोन एज कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टाइप ऑफ बॉन्ड वन बाय वन। सो फर्स्ट इज आयनिक बॉन्ड। सो व्हाट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड एज यू ऑलरेडी स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। Require their noble gas configuration. That is known as ionic bond. Example, in case of NaCl. In NaCl, sodium have atomic number 11. That means electronic configuration 281. तो sodium के पास noble gas से एक electron extra है, so sodium have tendency to lose one electron. और ये जो electrons lose होंगे, ये हमने last unit में किया था that they are lost from their isolated gaseous atom. Similarly, chlorine have atomic number 17. So chlorine has one electron less than from its noble gas configuration. Chlorine के पास एक electron की कमी है, तो chlorine क्या करेगा? जो sodium ने electron loss किया, उससे वो electron gain कर लेगा and acquire a noble gas configuration 288. Anion में convert हो जाएगा sodium cation में. So when these cation and anion come close together, then electrostatic forces of attraction apply between these a positively charged ions and the bond formed is known as ionic bond. और आप इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की फॉर्म में इस टाइप से भी मेंशन कर सकते हो. सोडियम हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, क्लोरीन कंटेन सेवन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. तो सोडियम हैव टेंडेंसी टू lose one electron to chlorine. तो sodium ने अपना एक electron chlorine को transfer कर दिया. जब complete transfer होगा तो हम complete arrow mention करेंगे. तो जो arrow का head है वो उस atom की तरफ होगा जो electron gain करेगा और tail उस atom की तरफ जो electron lose करेगा. ठीक है, तो sodium ने एक electron lose किया तो sodium acquire positive charge, chlorine ने एक electron gain किया. तो जो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है उसको मैं क्रॉस से मेंशन कर रही हूँ ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकें. क्लोरीन ने एक एटम सोडियम से गेन किया तो क्लोरीन एक्वायर नेगेटिव चार्ज. क्लियर है? तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर NaCl. सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम ऑक्साइड. हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हैव एटॉमिक नंबर 20, 2, 8,
A2, that means कैल्शियम के पास दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कैल्शियम हैव टेंडेंसी टू लोस टू इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्वायर अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. ऑक्सीजन हैज एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-6. ऑक्सीजन हैव टेंडेंसी टू गेन टू इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लेगा एंड कैरी टू नेगेटिव चार्ज. एंड इन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैल्शियम लॉस द इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन. कैल्शियम अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देगा. ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के बाद कैल्शियम एक्वायर पॉजिटिव टू पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन एक्वायर टू नेगेटिव चार्ज. दिस इज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर कैल्शियम ऑक्साइड. सिमिलरली कैल्शियम फ्लोराइड कैल्शियम हैज टू इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फॉर्म इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एंड फ्लोरीन हैविंग एटॉमिक नंबर 9 हैज वन इलेक्ट्रॉन लेस देन फॉर्म इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन. तो एक कैल्शियम की दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है, एक फ्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है. तो कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन एक ही फ्लोरीन को ट्रांसफर कर सकता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेट मींस दूसरे फ्लोरीन एटम को ट्रांसफर करेगा. ठीक है, तो यहां से कैल्शियम एक्वायर टू पॉजिटिव चार्ज बाय लॉसिंग इट्स टू इलेक्ट्रॉन टू टू फ्लोरीन एटम्स एंड एक फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो फ्लोरीन एक्वायर माइनस 1 चार्ज. क्लियर है ये? सो इट बिकम सी ए एफ टू. इट्स फॉर्मूला बिकम सी ए एफ टू. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. एंड फ्रॉम हियर यू कैन ऑल्सो डिफाइन इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ एन एटम. अब एक एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करने की, दैट इज नोन एज इट्स इलेक्ट्रोवेलेंसी. ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन. लाइक सोडियम हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स इलेक्ट्रोवेलेंसी बिकम 1. फ्लोरीन हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट्स इलेक्ट्रोवेलेंसी इज 1. नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड. अब कौन कौन से फैक्टर्स आयनिक बॉन्ड को इफेक्ट करेंगे? तो जब भी हम आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? दैट एक एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन लॉस करके वहां से कैटायन की फॉर्मेशन होगी. सेकंड में दूसरा एटम वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड फॉर्म द एनायन. और थर्ड में कैटायन एंड एनायन कम क्लोज टूगेदर एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन इन थ्री स्टेप्स से होगी. तो जब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो लाइक इन फर्स्ट स्टेप देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो अभी हमने लास्ट यूनिट में किया था कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, ठीक है, फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज आयनाइजेशन एन्थैल्पी. सिमिलरली इन सेकेंड स्टेप there is formation of anion by the gain of electron and the amount of energy required by the isolated gaseous atom for accepting an electron and converted into anion is known as electron gain enthalpy.
And in third step, when cation and anion come close together, then there is a formation of ionic bond takes place. Amount of energy released is known as lattice enthalpy. Is it clear? So the ionic bond basically depend upon these three factors: ionization enthalpy, electron gain enthalpy, and lattice enthalpy. Now let us discuss these factors one by one. So our first factor is ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी, अब हमें पता है जितनी ज्यादा लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी, लोअर इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इजियर फॉर द एलिमेंट टू रिमूव इलेक्ट्रॉन. एंड कन्वर्टेड इनटू ठीक है, जितनी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना ही ज्यादा इजी रहेगा एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और जितना इजिली वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर पाएगा उतना इजिली वो कैटाइन में कन्वर्ट होगा. तो जितना इजिली कैटाइन की फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड. Is it clear? ये हमने किया था that ionization enthalpy is the energy required to remove electron from the isolated gaseous atom. So in case of isolated gaseous atom, nucleus और electron के बीच में interaction जितनी ज्यादा high होगी, electron को remove करना difficult होगा, उतनी ज्यादा हमें energy provide करनी पड़ेगी, और जितनी energy provide करनी पड़ेगी that means easily वो element cation में convert नहीं हो सकता, तो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन इजी नहीं होगी. और अगर आप इसका अपोजिट केस देखो, अगर अट्रैक्शन कम होगी, इफ देयर इज लो अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, अगर अट्रैक्शन कम है इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव हो जाएगा तो हमें एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी. अगर कोई एलिमेंट इजिली इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पा रहा है देन इट कैन इजिली फॉर्म आयनिक कंपाउंड ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेंथ आयनिक बॉन्ड की उतनी ज्यादा हाई होगी. So let's take an example, like in case of sodium or magnesium, which one have tendency to form ionic bond easily? हमें पता है दोनों ही metals है, दोनों की ही tendency ionic compounds बनाने की है, but अगर हम दो metals को compare करें तो दोनों metals में से किसकी ionic compound की strength ज्यादा होगी? तो in case of sodium, electronic configuration is 281. Because its atomic number is 11, magnesium have atomic number 12, electronic configuration 282. So sodium contain one electron extra from its noble gas configuration and magnesium has two electron extra from its noble gas electronic configuration. So sodium को अपनी noble gas configuration में convert होने के लिए एक electron remove करना है और magnesium को two electrons release करने हैं. So we know removal of one electron is more easier as comparison to the removal of two electrons. एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी कम रिक्वायर्ड होगी, जबकि मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो वन बाय वन करके करेगा, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. उसके बाद जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा डेट इज फ्रॉम कैटाइन ऑफ मैग्नीशियम. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है डेट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. तो जो टोटल आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी डेट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो हमेशा सोडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा ही आएगी ठीक है. मैग्नीशियम के केस में जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सोडियम से हमेशा ज्यादा ही आएगी, बिकॉज मैग्नीशियम हैव टू लॉस टू इलेक्ट्रॉन्स. और इन वर्ड्स अनदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो
इंट्रेक्शन इंक्रीज होंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस. सो आउट ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम, अब बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी मैग्नीशियम की हाई है तो आयनिक बॉन्ड बनाने की स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड इज ग्रेटर इन केस ऑफ सोडियम एज कंपेरिजन टू मैग्नीशियम. जो आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगी. इज इट क्लियर? नाउ सेकेंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. नाउ वी नो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू आइसोलेटेड गैसियस एनायन. अब जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी एटम की इलेक्ट्रॉन गेन करने की, उतनी ही ज्यादा न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रेक्शंस इंक्रीज होंगी. जितनी ज्यादा इंट्रेक्शन इंक्रीज होगी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बिकम हाई. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस टाइप से आपस में कोरिलेट करेगी? वी कैन से दैट मोर नेगेटिव. जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होगी. मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, मोर इजियर द फॉर्मेशन ऑफ एनायन. एनायन टेक्स प्लेस एंड मोर स्ट्रॉन्गर इज द आयनिक बॉन्ड. इज इट क्लियर? जितनी ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होगी दैट मींस न्यूक्लियस और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा हाई है. जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी एटम इजिली उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो पाएगा. जितना इजिली एनायन फॉर्मेशन पॉसिबल है उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड स्ट्रेंथ ऑफ आयनिक बॉन्ड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो नेगेटिव वैल्यू आएगी. एनर्जी रिलीज होगी जितनी ज्यादा उतना ही इजिली एनायन की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी. ठीक है? लाइक आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन विच वन हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक तो हम ये कह सकते हैं एज यू मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय वन, प्रिंसिपल शेल रिमेन सेम. तो ऑक्सीजन के केस में लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है एंड फ्लोरीन एक्वायर 7 इलेक्ट्रॉन्स. सो वी कैन से दैट ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू इट्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्लोरीन नीड ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इनटू स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो इन केस ऑफ फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करना हमारे लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेरिजन टू 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो फ्लोरीन के केस में मोर नेगेटिव आएगी एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन. और सेकंड हमें पता है जब ये ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है तो हम 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ गेन नहीं करवा सकते. एटम में 1 by 1 करके इलेक्ट्रॉन जाएंगे. तो जब हम आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑक्सीजन आइसोलेटेड स्टेट में जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा देन इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एनायन. नाउ द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू ऑक्सीजन एनायन और एनायन पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है. सो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर. सो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक रिपल्शन सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू बिकम पॉजिटिव. तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव होने की वजह से
ओवरऑल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की कुछ ना कुछ लेस नेगेटिव हो जाएगी, क्लियर है ये। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू इज मोर नेगेटिव फॉर फ्लोरीन, सो फ्लोरीन हैज मोर टेंडेंसी टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, इज इट क्लियर। नाउ लास्ट फैक्टर इज लेटेस एंथैल्पी, लेटेस एंथैल्पी। अब जब फर्स्ट स्टेप में गैसेस कैटायन की फॉर्मेशन हुई, सेकंड स्टेप में गैसेस एनायन की फॉर्मेशन हुई, नाउ व्हेन दे कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड दैट इज नोन एज लेटेस एंथैल्पी, ठीक है। और वी कैन डिफाइन लेटेस एंथैल्पी दैट व्हेन रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ गैसियस कैटायन एंड एनायन, गैसियस ही होंगे एनायन भी, गैसियस एनायन कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर्म अ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज नोन एज लेटेस्ट एंथैल्पी, उसको हम कहेंगे लेटेस्ट एंथैल्पी, क्लियर है ये। अब जो लेटेस्ट एंथैल्पी है ये किस केस में रिलीज हुई, जब कैटायन और एनायन आपस में क्लोज आए, तो दैट मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज डिपेंड अपॉन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कैटायन एंड एनायन, सो लेटेस्ट एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब जितनी ज्यादा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होगी कैटायन और एनायन में, उतनी ज्यादा लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू होगी, एंड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर फर्दर डिपेंड अपॉन द चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटायन एंड एनायन एंड डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, ठीक है। जब भी पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा तो कैटायन और एनायन के न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस आएगा, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो फोर्सेज क्यू वन एंड क्यू टू आर द चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, एंड आर इज द एटॉमिक रेडियस और साइज ऑफ कंपाउंड, क्लियर है ये। तो चार्ज के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, एंड साइज के हमेशा इन्वर्सली प्रपोर्शनल, जितना लार्ज साइज होगा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज भी कम होगी, इज इट क्लियर। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है लेटेस्ट एंथैल्पी, चार्ज के हमेशा डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी लेटेस्ट एंथैल्पी, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा अमाउंट एनर्जी की रिलीज होगी, ये अमाउंट एनर्जी की नेगेटिव में आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ NaCl, MgO एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड, विच वन हैज हायर वैल्यू फॉर लेटेस्ट एंथैल्पी, सोडियम क्लोराइड के केस में चार्ज ऑन कैटायन प्लस वन एनायन माइनस वन, इन केस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस टू माइनस टू, इन केस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस थ्री माइनस थ्री। तो कैटायन पे चार्ज सबसे ज्यादा किस केस में है, एल्यूमिनियम के केस में आएगा, एल्यूमिनियम कंटेन प्लस थ्री चार्ज, तो जितना ज्यादा चार्ज आएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बिकम हाई, जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी लेटेस्ट एंथैल्पी बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव, जितनी ज्यादा लेटेस्ट एंथैल्पी रिलीज होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू लेटेस्ट एंथैल्पी के लिए आएगी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हाई होगी, क्लियर है। एंड सेकेंड फैक्टर इज साइज ऑफ एटम, अगर दो कंपाउंड्स में चार्ज सेम है
लाइक लिथियम फ्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड. ठीक है, लिथियम प्लस वन चार्ज, हैलोजन्स बोथ कैरी माइनस वन चार्ज. बट हमें पता है व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, एलोन का ग्रुप मूव कर रहे हैं तो साइज इंक्रीज करेगा, तो साइज ऑफ एनायन यहाँ पे इंक्रीज हो गया. तो जितना लार्ज साइज होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एटम. जितना लार्ज साइज होगा फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी तो लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी. तो लिथियम फ्लोराइड हैव लार्ज वैल्यू ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी एज कंपैरिजन टू लिथियम क्लोराइड. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है आयनिक बॉन्ड की वो किस केस में ज्यादा होगी, दैट इज इन केस ऑफ लिथियम फ्लोराइड एज कंपैरिजन टू लिथियम क्लोराइड. ठीक है, और लिथियम फ्लोराइड का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों बनेगा, बिकॉज इन दिस केस साइज ऑफ एनायन इज स्मॉलर एज कंपेरिजन टू द साइज ऑफ एनायन इन लिथियम क्लोराइड. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमने ये थ्री फैक्टर्स की बात की, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लेटेस्ट एंथैल्पी. अब अगर हम इन तीनों ही फैक्टर्स को स्टडी करते हैं, अब देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फॉर द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होगी. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेटेस्ट एंथैल्पी इज ऑल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड. ठीक है, तो दो एनर्जी, दो फैक्टर्स तो आपके नेगेटिव में और एक फैक्टर पॉजिटिव में है. अब हमें पता है तो ओवरऑल जो एनर्जी है, जब हम तीनों का सम करेंगे, ओवरऑल एनर्जी आइदर आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी. तो आयनिक बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो किसी एक पर्टिकुलर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, वो इन तीनों फैक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट पे डिपेंड करेगी. क्योंकि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन थ्री स्टेप्स में हो रही है. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, जिसमें हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायर्ड है. सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ एनायन इन विच वी रिलीज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड थर्ड इज लेटेस्ट एंथैल्पी. ठीक है, तो यहाँ पे जब ओवरऑल एनर्जी आपकी नेगेटिव आएगी, वी नो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. जितनी ज्यादा एनर्जी नेगेटिव में आएगी, स्टेबिलिटी कंपाउंड की उतनी ज्यादा हाई होगी. तो जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी का सम आयनाइजेशन एंथैल्पी से हाई होगा, देन आवर कंपाउंड फॉर्म्ड इज आयनिक कंपाउंड. और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी के कंपैरिजन में हाई है, देन कंपाउंड इज देन आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नॉट पॉसिबल. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. आयनिक कंपाउंड में दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगी तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो दे एग्जिस्टिंग सॉलिड स्टेट एंड दे फॉर्म जनरली थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग अ डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न. ठीक है, लाइक इन केस ऑफ NaCl, अगर हम इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखते हैं तो वी कैन से दैट वन सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय द सिक्स क्लोराइड आयन्स एंड वन क्लोराइड आयन इज फर्दर सराउंडेड बाय सिक्स सोडियम आयन्स. और एक जो आयन है वो कितने पॉजिटिवली चार्ज आयन से सराउंडेड है, दैट इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है, तो ये अगर हम पूरी की पूरी स्ट्रक्चर देखे तो यही अरेंजमेंट रहेगी, स्मॉल एरिया में भी और लार्ज पैटर्न में भी. एक सोडियम आयन सिक्स क्लोराइड आयन के साथ सराउंड करेगा और क्लोराइड आयन हमेशा सिक्स सोडियम आयन से सराउंडेड मिलेगा. ठीक है,
तो एक ही रेगुलर पैटर्न देंगे और सिंपल जनरली हम ये कह सकते लाइक पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इनकी जो ये स्ट्रक्चर है ये आप डिटेल में 12th क्लास में सॉलिड स्टेट का चैप्टर है वहां पे स्टडी करोगे। कह रही सॉलिड्स है, सॉलिड्स है तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आयनिक कंपाउंड्स में चार सेपरेशन होगी, चार सेपरेशन होने की वजह से दे आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था दैट देर आर टू टाइप ऑफ कंपाउंड्स, दैट इज पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स कौन से होंगे जिनमें बॉन्ड तो म्यूचुअल शेयरिंग से बनेगा लाइक HCl, बट वन म्यूचुअल शेयरिंग इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। ठीक, अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिफरेंट है तो द एलिमेंट विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्लोरीन और हाइड्रोजन में से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहेगा जिससे उनपे स्मॉल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज पोलर कंपाउंड्स। तो पोलर कंपाउंड में भी चार्ज आ गया, आयनिक कंपाउंड में भी चार्ज प्रेजेंट होगा। सो सोल्युबिलिटी इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू लाइक डिजोल्व लाइक रूल। सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट्स लाइक HCl, H2O एटसेट्रा एंड इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट जनरली हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट्स आ जाएंगे विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज दे गिव आयनिक रिएक्शंस एंड विच आर जनरली फास्ट। दो आयनिक कंपाउंड्स के बीच में जब आप रिएक्शन करवाओगे, आयनिक कंपाउंड में आयंस की फॉर्मेशन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है, आयंस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वहां पे जस्ट एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का लाइक ए पॉजिटिव बी नेगेटिव व्हेन रिएक्ट विद सी डी, सी पॉजिटिव डी नेगेटिव, आयंस तो यहाँ पे ऑलरेडी है तो जस्ट एक्सचेंज आ जाएगा आयंस का ए डी प्लस बी सी। ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ही करना है कंपाउंड, आयंस ऑलरेडी प्रेजेंट थे तो ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयंस दीज रिएक्शंस आर जनरली फास्ट रिएक्शन एंड दे आर दे कंप्लीट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। व्हेन NaOH रिएक्ट विद HCl तो यहां पे जस्ट आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा एंड ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दे आर कन्वर्टेड इन टू सोल्ट एंड वॉटर। सो दिस इज ऑल अबाउट आयनिक कंपाउंड्स। इज इट क्लियर? Thank you and have a nice day.